रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज आपको सिड किचन में मैं वेलकम कहती हूँ। आज आप ज़बरदस्ती एक चीज़ बनाने वाले हैं, जो लोग शुगर पेशेंट भी कह सकते हैं उनके लिए भी अच्छी है, हेल्थ कॉन्शियस हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, और बग़ैर आटा गूंधे और बेले रोटी बनाना। सो ये वैसे ही हेल्थ रिज्यूम में बहुत ही बेनिफिशियल है ये आपके लिए। देखें, एक कप ऑफ बेसन का ले लें, 1 कप बेसन, ठीक है। एंड देन ये आपका नॉर्मल जो आटा है, व्हीट फ्लोर, वो हो गया 1 कप। हाफ एंड हाफ ले लें, ठीक है। इनको मिक्स वेल, अच्छी तरह इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें सो दैट इवनली, और अगर आप इसको छान लें, मैंने पहले से इसको किया हुआ है, लेकिन आप इसको छान भी सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ले लें, बिल्कुल थोड़ा सा ही काफ़ी है, इसमें ज़्यादा नहीं लेना, हाफ टी स्पून। एंड देन इसमें आप गौर से देखें कि इसमें चिली फ्लेक्स भी हैं, ग्रीन कोरिएंडर एंड ज़ीरा वाइट वो है। तो ये मैं टू जो है टी स्पून, 2.5 ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। एंड ऑरिगानो इफ़ यू लाइक इट, तो थोड़ा सा पिंच ऑफ ऑरिगानो, ये हो गया है। इसे हम मिक्स वेल अगेन, और आप इसके साथ साथ देख सकते हैं कि ये तवा है, और इसके लिए आप नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं, और प्री हीटेड है और हल्का सा ग्रीस्ड है, और अगर आप ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। तो अब हम इसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। हाफ तो मैं डायरेक्टली ही डाल रही हूँ, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन ऐड इट एंड मिक्स इट वेल। जैसे आप बहुत सारी चीज़ों का बैटर बनाते ही होंगे, मैदे से बनाते होंगे शायद, और या बेसन के लिए भी आप बेसन को भी यूज़ करते हैं, पकौड़े बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। लेकिन ये क्योंकि आप व्हीट फ्लोर के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो इसकी जो फ़ायदे हैं वो डबल हो गए हैं। लेकिन बेसन की इसलिए कि कहा गया है क्योंकि ये शुगर को मेंटेन करती है, शुगर वालों को भी है रोटी, डेफिनेटली उनको चाहिए, तो क्यों ना वो इसी डबल इसको करके इसका एक बना लें। तो इसको जब तक मैं बीट करती हूँ, टिल देन हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और ये हमने इसको देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप, ये देखिए इतनी थिक है, ज़्यादा भी नहीं, बस बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, और यू कैन पोर इट ईजीली ऑन हॉट तवा मस से, और आपने इसको यहीं पे, अच्छा ये वो मैदे वाली नहीं है इसलिए आप इसको वैसे गोल नहीं कर सकते जैसे मैं ऐसे चला रही थी, क्योंकि अगर ये सिर्फ मैदे की बनी होती और इसमें एग होता तो फिर आप इसको थोड़ा सा, मैंने थोड़ा बैटर डाला है, छोटी बनाई है तो आप इसको बड़ा खानी है वो, क्योंकि छोटी छोटी बनाई है, इसको मैंने टर्न कर लिया है थोड़ा सा, और इसे आप इस तरह सेकेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ग्रीस था तो थोड़ा सा देखें आप इसमें ऑयल का फैक्टर है। और अभी इस पर आप सेकेंड थर्ड टाइम जब करेंगे, और थोड़ी सी फायर अब आप बढ़ा सकते हैं। आप तकरीबन जो 1 कप आपने लिया था बेसन और 1 कप आटा, उसमें आपकी अगर आप छोटी थोड़ी पतली चाहते हैं तो उसको फैला भी सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आपकी 6 to 8 बन जाती है छोटी रोटी, और बड़ी बनाना चाहते हैं तो फिर आपकी, ये आप देखें जी इसने साइड्स छोड़ दी हैं, और आप इसको ऐसे टर्न भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट हमारी छोटी और थोड़ी बड़ी साइज़ है, मैंने डिफरेंट इसलिए बनाई है कि आपको बताऊं कि अगर आप इस साइज़ की बनाना चाहेंगे छोटी, और यही ज़्यादा सही लगती है क्योंकि जितनी लेनी है 2 भी ले सकते हैं, तो इसमें आप 8 बन जाएंगी, ये साइज़ होगा तो आपकी 6 बनेंगी, या और ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हो अप टू यू। और इसमें आप गार्लिक भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा फ्लेवर है। बच्चे अगर नहीं खाते तो प्लेन से अचार से ही, इट्स फुल डाइट, आप ये नहीं कह सकते कि वो आपको सालन या करी की ज़रूरत है। सो हेयर वी गो विद दिस एंड एन्जॉय योर मील।